नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैली के बारे में, ठीक है। तो हम बेसिकली जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं टैली से रिलेटेड, वो सारे इस एक वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखने का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सप्लेन टैली एंड इट्स एप्लीकेशन। तो टैली और इसकी एप्लीकेशन बतानी है आपको। सो टैली इज़ बेसिकली, आपको सभी को पता है, इट इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क लाइक इट इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग ऑल बेसिक अकाउंटिंग फंक्शंस टू ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो जितने भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फंक्शन हैं वो इसके थ्रू होते हैं। कोस्टिंग लाइव जॉब्स इससे होती हैं। एडमिनिस्ट्रिंग पेरोल्स ऑफ ऑफिस स्टाफ्स, ये भी टैली का ही वर्क है। नेक्स्ट इज़ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, जो भी ITR फाइल करते हैं, PL स्टेटमेंट है ना, PNL जितनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, GST, ट्रायल बैलेंस, फंड फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा। इट हेल्प्स इन बजटिंग एंड वेरिएशंस। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, उसमें हम टैली से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम बेसिकली ट्राई करेंगे सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने की। सो नेक्स्ट इज़ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स, ठीक है, ये भी टैली का ही फंक्शन है। एंड अनदर वन इज़ सिंक्रोनाइजिंग एंड मैनेजिंग डाटा ओवर डिफरेंट लोकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैली ERP 9 एंड टैली 7.0। सो बेसिकली आपको पता है, टैली इज़ ए सोल्यूशन दैट इंटीग्रेट्स द एसेंशियल फंक्शंस रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड इन्वेंट्री। तो जितने भी अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग के फंक्शन होते हैं वो सारे ये टैली के थ्रू होते हैं। टैली ERP हैज़ इंक्लूडेड मैनी टैली ERP में बेसिकली क्या है, काफ़ी एक्स्ट्रा फंक्शन इंक्लूड किए गए हैं, जैसे TDS, इसके अलावा पेरोल मैनेजमेंट, इसके अलावा जो भी टैक्स पैरामीटर्स हैं या फिर NRI का कुछ डेटा भी मैनेज करना, वो सब कुछ टैली ERP में इंक्लूड किया गया है। सो टैली ERP के आपको मेन फंक्शंस बताने हैं। फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट फॉर बेटर फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट फॉर बेटर लेजर मेंटेनेंस। नेक्स्ट इज इनवॉइसिंग ऑफ ऑल डीलर्स, जितने भी इनवॉइसिस हैं सभी डीलर्स की। नेक्स्ट इज बजट सुपरविजन। नेक्स्ट इज अदर फीचर्स आर ऑल्सो अवेलेबल लाइक प्रिंटिंग ऑफ चेक्स एटसेट्रा। सॉरी, नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द फीचर्स इंटीग्रेटेड इनटू टैली ERP 9। तो कौन से फीचर्स जो इंटीग्रेट किए गए हैं टैली ERP 9 में। सो फर्स्ट इज़ ईमेल ऑप्शन, तो यूजर्स बेसिकली सेंड कर सकते हैं रिपोर्ट्स टू मल्टीपल बेनिफिशियरीज। नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग वाउचर्स, तो अकाउंटिंग वाउचर्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज़ प्रिंटिंग बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल्स, तो जो भी बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट लिमिट, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द क्रेडिट लिमिट कंट्रोल सेट फॉर ए डीलर विल नॉट बी अप्लाई टू द सेल्स ऑर्डर, एन अलर्ट विल बी नोटिफाइड ऑफ द क्रेडिट लिमिट वेयर एज द यूज़र कैन सेव द वाउचर। नेक्स्ट इज GST, इसमें GST भी अवेलेबल है। आपको पता GST भी कब आया था, आपको याद रखना है ये डेट भी, 1 जुलाई 2017 से GST स्टार्ट हुआ है, तो ये भी ERP 9 में शामिल है। नेक्स्ट इज एक्साइज फॉर मैनुफैक्चरर्स। नेक्स्ट इज़ पेरोल, ठीक है, पेरोल एक्टिविटी सारी इसमें होती हैं। नेक्स्ट इज टैक्स ऑडिट। नेक्स्ट इज XVRL, कंस्ट्रेंट ओनली फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द नेचर ऑफ रिपोर्ट सेंड टू कंसोलिडेटेड। फिर इसके अलावा TDS फैसिलिटीज़ भी इसमें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एडिशनल फीचर्स सच एज NRI पेमेंट्स आर आल्सो फैसिलिटेटेड, तो NRI पेमेंट्स भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। बट आर द प्री डिफाइंड लेजर्स अवेलेबल इन टैली ERP 9, तो ज़्यादातर आपको पता भी टैली ERP 9 बहुत सुर्खियों में रहता है, तो इसमें प्री डिफाइंड लेजर्स अवेलेबल कौन से हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड PNL अकाउंट। तो कैश में क्या है, अंडर द ग्रुप कैश इन हैंड ए कैश लेजर इज क्रिएटेड वेयर द ओपनिंग बैलेंस कैन बी एंटर्ड एज द बुक्स बिगिन, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपका जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज एंटर्ड एज द बुक्स बिगिन। फिर इसके बाद PL अकाउंट, दिस लेजर इज क्रिएटेड अंडर प्राइमरी वेयर द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट और लॉसेस एंटर एज द ओपनिंग बैलेंस, जिसमें लास्ट ईयर का कितना प्रॉफिट और लॉस है वो आप कह सकते हो कि एंट्री लेवल में डाला जाता है, और यहाँ पे जो कैश इन हैंड जो कि लास्ट डेट का है वो आप यहाँ पे एंटर किया जाता है ना। नेक्स्ट इज मेंशन द टाइप्स ऑफ लेजर्स दैट कैन बी मेड इन टैली ERP, तो ये तो प्री डिफाइंड हो गए कैश एंड PNL अकाउंट। इसके अलावा क्या क्या बना सकते हो आप, जनरेटिंग सेल्स परचेज लेजर, जनरेटिंग इनकम एक्सपेंस लेजर, जनरेटिंग पार्टी लेजर, जनरेटिंग बैंक अकाउंट, इसके अलावा जनरेटिंग टैक्स लेजर, जनरेटिंग करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शॉर्टकट्स फॉर वाउचर क्रिएशन एंड अल्टरेशन स्क्रीन इन टैली ERP 9। सो
टेली ईआरपी 9 अलाउज टू क्रिएशन ए मास्टर ऑन द बाउचर बाय द शॉर्टकट ऑल्ट प्लस सी। ठीक है, आपके ऑल्ट प्लस सी के थ्रू ये हेल्प करता है क्रिएशन ए मास्टर, जिसमें बेसिकली आप लेजर या फिर स्टॉक आइटम ऐड कर सकते हो। और मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो मॉडिफाई एनी मास्टर आइटम ऑन ए बाउचर यू हैव टू सेलेक्ट द स्पेसिफिक लेजर। तो कोई भी अगर आपको सपोज करो किसी भी आइटम को मॉडिफाई करना, तो आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक कर देना। नेक्स्ट इज मेंशन द शॉर्टकट टू रिपीट द नरेशन ऑन ए वाउचर। तो रिपीट करने के लिए क्या होगा, बेसिकली आपको पता है रिपीट के लिए आर यूज़ होगा, सो कंट्रोल प्लस आर फॉर रिपीटिंग द नरेशन ऑन कंट्रोल ऑन एनी वाउचर वी शुड प्रेस कंट्रोल प्लस आर, आर यूज़ होगा रिपीटेशन के लिए। बट इज़ अ ग्रुप इन टेली ईआरपी 9, तो ग्रुप क्या होता है टेली ईआरपी 9 में, ग्रुप आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड होंगी, कम्बिनेशन होगा। ठीक है, सो ग्रुप इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक इलेक्ट्रिक बिल्स टेलीफोन बिल्स कन्वीनियंस आर कॉमनली इंक्लूडेड इन द ग्रुप्स। मतलब ग्रुप्स में मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, देर आर 28 ग्रुप्स बाई डिफॉल्ट इन टेली ईआरपी 9। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेली ईआरपी 9 में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं और 13 सब ग्रुप्स हैं। टाइप ऑफ वाउचर्स आल्सो गिव द शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग दिस वाउचर। तो आपको बताने हैं टाइप ऑफ वाउचर, तो पहला होता है काउंट्रा वाउचर F4, इट पॉइंट्स टू द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम ए बैंक अकाउंट टू द कैश अकाउंट और कैश अकाउंट टू द बैंक अकाउंट। काउंट्रा का समझ ही चुके होंगे आप, मतलब बैंक टू कैश, कैश टू बैंक। नेक्स्ट इज पेमेंट वाउचर, तो ये है F5। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी पेमेंट है, जो चाहे आपने पेमेंट ऑफ सैलरी की हो, रेंट किया हो, या फिर टेलीफोन के, या फिर पानी का जो भी कंपनी का बिल किया है, वो सारा पेमेंट वाउचर के अंडर होगा। रिसीट वाउचर में जितनी भी ट्रांजेक्शन, जितनी पेमेंट रिसीव की हुई हैं, वो आएंगी रिसीट वाउचर में अंडर F6। नेक्स्ट इज जनरल वाउचर F7, इट मेंटेन्स द एक्सपेंस टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग कॉस्ट। ये रनिंग कॉस्ट क्या है, वो एक्सपेंसेस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज सेल इनवॉइस वाउचर, तो दिस वाउचर डिस्क्राइब्स द सेल्स मेड, इट डिस्प्लेस द सेल इनवॉइस। तो ये आता है F8 में। क्रेडिट नोट वाउचर कंट्रोल प्लस F8। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्रेडिट नोट वाउचर, इट एंट्री टू दिस वाउचर इज मेड व्हेन ए कस्टमर रिटर्न्स द प्रोडक्ट विच वर नॉट करेक्टली डिस्पेंस। तो ये जो कस्टमर रिटर्न कर देता है, वो इसके अंडर आएंगे। नेक्स्ट इज परचेज वाउचर, परचेज वाउचर F9। ठीक है, जो परचेजिंग के लिए है बेसिकली। डेबिट नोट वाउचर कंट्रोल प्लस F9। सो वाउचर फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर्स ड्यू टू डैमेज्ड गुड। तो डेबिट नोट वाउचर होगा कंट्रोल प्लस F9। नेक्स्ट इज रिवर्सिंग जनरल F10। ये भी सब याद रखना आप, कौन सी की किस लिए है। नेक्स्ट इज मेमो वाउचर, मेमो वाउचर यूज होता है फॉर कंट्रोल प्लस F10। दिस वाउचर मार्क्स द अननोन एक्सपेंस एट ए मोमेंट ऑफ टाइम। अगर अननोन एक्सपेंस होता है, तो वो आता है मेमो वाउचर के अंदर। मेंशन द शॉर्टकट टू रिट्रीव द लास्ट लाइन विच इज रिमूव्ड इन टेली ईआरपी 9। द शॉर्टकट टू रिट्रीव द लास्ट रिमूव्ड लाइन इज, आपको कंट्रोल प्लस यू करना कर लेना है। कंट्रोल प्लस यू करने से क्या होगा, वो अंडरू हो जाएगा, जो लास्ट लाइन जो रिट्रीव करनी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेंशन द इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व्ड बाय टेली ईआरपी 9 आफ्टर क्रिएटिंग ए कंपनी। सो डायरेक्टरी ऑफ टेली ईआरपी 9 स्टोर्स द पाथ टू फोल्डर वेयर डाटा विल बी स्टोर। नेक्स्ट इज मेंशन व्हाट इज शॉर्टकट टू रिकॉल द लास्ट नरेशन सेव्ड फॉर द फर्स्ट लेजर इन द वाउचर। द शॉर्टकट टू रिकॉल द लास्ट नरेशन स्टोर्ड फॉर द फर्स्ट लेजर इन द वाउचर इज ऑल्ट प्लस आर। ठीक है, ये रखना, रिपीट करने के लिए आप समझ चुके होंगे आर यूज़ होगा। एक्सप्लेन द सेटअप प्रोसेस फॉर एन एम्प्लॉय इन टेली ईआरपी 9 फॉर देयर पेरोल। सो टेली ईआरपी 9 गिव्स द फैसिलिटी टू क्रिएट द रिक्वायर्ड ग्रुप्स एंड क्लासीफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज लाइक एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड एम्प्लॉयज। अभी क्रिएट करना आपको एम्प्लॉय ग्रुप, तो इसमें बेसिकली क्या क्या आएगा, सेलेक्ट प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एज द कैटेगरी। इसके अलावा क्रिएटिंग एम्प्लॉय मास्टर, तो इसमें सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। ठीक है, वी कैन इनकॉर्पोरेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल, पासपोर्ट क्या है उसका, ठीक है, आधार नंबर, वीज़ा, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सारी चीज़ें जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है। इतना मैं डिटेल में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया सा यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ट्रायल बैलेंसेज एंड द प्रोसेस टू चेक द ट्रायल बैलेंसेज इन टेली ईआरपी 9। सो ट्रायल बैलेंस आपको पता ही क्या होता है, इट इज़ मेनली ए सिनोप्सिस ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेज एंड चेक्स वेदर द मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड द इन्फॉर्मेशन आर राइट एंड बैलेंस। तो बेसिकली ये चेक करता है कि जो भी मैथमेटिकल एक्यूरेसी है वो राइट है और बैलेंस्ड है। इट इज़ ए वे टू वेरीफाई दैट द जनरल एंट्रीज आर करेक्टली पोस्टेड। तो ये चेक करता है कि जितनी भी जनरल एंट्री है करेक्टली पोस्टेड हैं इन द जनरल लेजर। इन ट्रायल बैलेंस द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंसेज एंड शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द ऑल क्रेडिट बैलेंसेज। तो जितना भी डेबिट बैलेंस है वो सारा क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये एक बिल्कुल आप कह सकते हो एक लर्निंग सा लेक्चर था, है ना, जिसमें मैंने आपको मेन मेन चीज़ें समझा दी हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी MCQ बनते हैं टैली से, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप बताना कि क्या आपको
एमसीक्यू टेली से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में भी आते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, तभी मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। नहीं तो जितना थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। आई होप थोड़ी सी वीडियो बोरिंग जरूर रही होगी, बट फिर भी आपको अगर बेसिक्स क्लियर करने थे तो मैंने आपके बेसिक्स यहाँ पर क्लियर करवा दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।